नमस्कार दोस्तों, बी डेफिनेट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्पेशल ऑप्स 1.5 पर रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि ये वेब सीरीज में कितना दम है, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और क्या इसके पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेशल ऑप्स 1.5 का वेट हम सब लोग कर रहे थे। मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था, जब से इसका फर्स्ट पार्ट देखा है। तो इनिशियली जब मैंने देखा कि पहले तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि 4 ही एपिसोड थे इसके अंदर, वो भी कुछ आधे आधे घंटे के। तो मुझे लगा कि यार बहुत छोटी सी सीरीज होगी ये। फिर हमने इसके लिए पहले इसकी बात करते हैं कि ये स्पेशल ऑप्स जो 1.5 आया है, ये क्यों आया है और क्या रीजन था इसका आने का। हिम्मत सिंह जो मेन कैरेक्टर है, के मैनन, उनकी पास्ट लाइफ को दिखाया गया है कि कैसे वो हिम्मत सिंह बने, कैसे क्या क्या उन्होंने काम किए थे और क्या चीजों से वो गुजरे जो वो इतने इतने शानदार और शातिर, अगर बोले तो कॉप बने वो रॉ के। देखिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये वेब सीरीज अच्छी है कि बुरी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा अपना एक वेट दे दूं कि इस 1.5 के बारे में। देखिए, 1.5 जो आई है, इसमें इसके आने या ना आने से कोई एज सच कहानी में को लेके आप कोई फर्क नहीं पड़ना था। ऐसा नहीं था कि आप हिम्मत सिंह को पहले पसंद नहीं करते थे, सीरीज ये 1.5 देखी आप पसंद करने लगेंगे, या पहले बहुत पसंद करते थे ये सीरीज देखेंगे तो आप और ज्यादा पसंद करने लगेंगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। उनकी लाइकिंग और आपकी जो पसंद में कोई इस 1.5 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिम्मत सिंह जैसे थे हमारे जहन में वैसे ही रहेंगे, कुछ स्पेशल कुछ अलग से इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उन्होंने कुछ जो जो हिम्मत सिंह कैरेक्टर जो एक फेमस हो गया था उसको कैश कराने की कोशिश करी है, उसके नाम को उन्होंने कैश कराया है। जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत भी लगता है कि एक प्रोडक्ट आपका हिट हो गया तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो, आप रेदर देन कि आगे जाते दिखाते कि कोई नया केस दिखाते, कोई नया जैसे फर्स्ट पार्ट में कुछ एक उन्होंने केस दिखाया था वैसा कुछ नहीं एक दिखाते। तो वो दिखाने के बजाय उन्होंने हिम्मत सिंह कैरेक्टर को या उसको नाम को कैश कराने की कोशिश करी है, तो इससे कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे की जो कहानी आएंगी, जो जो सीक्वल्स आएंगे इसके, उसमें इसको इससे होने या ना होने से कोई टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता है कहानी को लेके। खाली उन्होंने बस हिम्मत सिंह कैरेक्टर हिट हो गया, इसकी जगह पे कोई और भी हिट हो जाता आप उसका पीछे का दिखा देते, कुछ एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे फैमिली मैन में आप अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो फैमिली मैन में भी जो मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो अधेड़ उम्र का है, 50 55 40 साल, 50 45 साल की उम्र के एज के हैं। अब आप उनका भी पिछले का दिखा देंगे तो कुछ सेंस नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बनाने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। एनीवेज, 1.5 की बात करते हैं। देखिए, के मैनन तो मतलब जबरदस्त एक्टर है, वो कुछ भी करेंगे, वो कोई भी रोल करेंगे वो उसमें हम जान डाल देंगे। सेम उन्होंने इस पे भी किया, स्पेशल ऑफ 1.5 जो बनी इसमें भी एक पूरा एक सिनेरियो दिखाया उन्होंने, जब पार्लियामेंट अटैक के बाद क्या क्या चीजें होती हैं इनके साथ। तो एक 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 सिचुएशन बना दी इन्होंने कि सिचुएशन से कैसे डील कप करते हैं, कैसे इनके साथ चीजें होती हैं। 4 एपिसोड की सीरीज है ये। इसमें एक इवेंट दिखाया गया है, केस दिखाया गया है जिसको ये के मैनन फॉलो करते हैं। बिल्डअप बड़ा अच्छा था, केस का बिल्डअप बहुत अच्छा लगा मुझे एकदम। कहानी एकदम सारे कैरेक्टर्स जो इसके भी जो कैरेक्टर्स थे उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया, लेकिन एंड जो क्लाइमेक्स था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, एकदम से ही खत्म कर दिया। ऐसा जैसे लग रहा था कि 8 10 एपिसोड बनने थे लेकिन 3 एपिसोड के बाद डायरेक्ट ही लास्ट एपिसोड दिखा दिया। बहुत जल्दी जो कैरेक्टर्स को उन्होंने पूरे सीरीज में डेवलप किया, उसको बनाया और उसको एकदम से ही खत्म कर दिया, तो क्लाइमेक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल एक्टिंग वाइज देखा जाए तो के मैनन ऑब्वियसली अच्छी एक्टिंग करते हैं, आफ्ताब भी हैं इसके अंदर, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग करी है। कुछ एक छोटे मोटे ट्विस्ट हैं इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट करेंगे आपको, तो वो भी आप देखिएगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज तो अच्छी है, बट इसका सिग्निफिकेंस मुझे इतना समझ में नहीं आया। रैदर देन कोई नया केस होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ऑल इन ऑल अच्छी है। आप फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है तो आप इसको देख लीजिए, हिम्मत सिंह से आप कनेक्ट रहेंगे, टच में रहेंगे। तो
मेरे हिसाब से इसको मैं देता हूं 5 में से 3 अंक। सीरीज अच्छी बनाई है, बट लास्ट जो है वो एंड क्लाइमेक्स और अच्छा होता तो और अब मजा आता। तो 5 में से 3 अंक है और अच्छी सीरीज है, देख सकते हैं आप। तो अगले वीडियो मिलेंगे किसी और मूवी या सीरीज की, हम रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए।